Hello everyone, this is Ashishan. This is another chapter of income tax, that is income exempt from tax. देखिए ये चैप्टर लास्ट चैप्टर है इनकम टैक्स का एंड बेसिकली दिस चैप्टर इज गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ वी के सिंघा ने सर बुक बट इन माई ओपिनियन एवरी टीचर मस्ट टीच दिस चैप्टर एट द एंड बिकॉज आप सब ने ये आप सब ने लाइक इनकम टैक्स के वेरियस हेड्स आपने ऑलरेडी पढ़ लिए, क्लबिंग पढ़ लिया, सेटअप पढ़ लिया, डिडक्शन पढ़ ली. नाउ यू मस्ट नो व्हाट आर दी इनकम विच आर ऑलरेडी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. अभी हम जो भी पढ़ेंगे वो कुछ एग्जम्पशन ऐसे आएगी जो आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो एंड कुछ एग्जम्पशन आए मीन्स ज़्यादा नहीं है बट कुछ ही हैं जो आपने नहीं पढ़ी. ठीक है, मीन्स एडिशनल कुछ नहीं है बट जो हमने पढ़ेगा आपको बस एक रिविजन की तरह समझो चैप्टर, बट बाकी चैप्टर ओवरऑल काफ़ी ईजी है एंड फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज समटाइम्स आपके एग्जाम में ये इंटरनल चॉइस आ जाती है बी कॉम ऑनर्स एंड बी कॉम वन लेवल पे एंड तब स्टूडेंट के लिए ये क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए काफ़ी ईजी हो जाता है बिकॉज दे जनरली आस्क लाइक एज पर दिस सेक्शन वट वट काइंड ऑफ इनकम विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम. सो इस चैप्टर को पढ़ते हैं एंड आई होप यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड दिस वेरी चैप्टर. सो लेट स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स यू नीड टू नो वट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिडक्शन एंड एग्जम्पशन एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो देखिए डिडक्शन क्या होता है बेसिकली. देखिए डिडक्शन क्या होता है, दैट इज विच रिड्यूस द इनकम, विच रिड्यूस द इनकम. देखिए आपको पता है हम डिडक्शन कब अप्लाई करते हैं. जैसे देखिए डिडक्शन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ये, दैट इज कुछ स्पेसिफाइड डिडक्शन होती हैं दैट आर बेसिकली द एसएससी विल गेट डिडक्शन फ्रॉम द पर्टिकुलर हेड्स. जैसे देखिए हमने सैलरी में पढ़ा था सेक्शन 16 दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन. देन हमने सिमिलर हमने हाउस होल्ड भी पढ़ा था सेक्शन 24, देन पीजीपी में फ्रॉम 30 to 37, देन इन कैपिटल गेन 54 एंड देन अदर सोर्सेज 57. ये हमने कुछ मींस उनकी स्पेसिफाइड डिडक्शन पढ़ी थी फ्रॉम द पर्टिकुलर हेड्स. बट इन एडिशन टू दिस एसएससी आल्सो गेट बेनिफिट ऑफ डिडक्शन दैट इज डिडक्शन फ्रॉम जीटीआई दैट इज ग्रोस टोटल इनकम. देखिए ग्रोस टोटल इनकम का मतलब क्या है यहाँ पर बेसिकली कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है एडिक एडिशनल डिडक्शन दे रही है. यानी कि पहले तो आप जो है स्पेसिफाइड लोग फ्रॉम दी पर्टिकुलर चैप्टर्स एंड देन आफ्टर दैट एसएससी कैन ऑल्सो गेट बेनिफिट ऑफ डिडक्शन फ्रॉम ग्रोस टोटल इनकम. ग्रोस टोटल इनकम कैसा आता है, एडिशन ऑफ ऑल इनकम ऑफ फ्रॉम ऑल द हेड्स. ठीक है, तो वो क्या होता है आपका ग्रोस टोटल इनकम एंड आफ्टर दैट द एसएससी विल गेट बेनिफिट ऑफ एडिशनल डिडक्शन. ये जो डिडक्शन है वो कहाँ मिलती है बेसिकली, दैट इज फ्रॉम चैप्टर 6A. या तो हमने क्लास में रिवाइज किया है, बहुत बार हमने नाम लिया है चैप्टर 6A, समटाइम्स हम इसको कैसे बोलते हैं अंडर सेक्शन 80C to 80U, बात एक ही है. ठीक है, तो अच्छा से यहाँ पर जो है एक एडिशनल बेनिफिट मिला था उसको. सो ओवरऑल हम क्या कहते हैं, देखिए डिडक्शन क्या बोलते हैं, दैट इज डिडक्शन दैट इज विच रिड्यूस द इनकम. ठीक है, ना कम टू द पार्ट ऑफ एग्जम्पशन. एग्जम्पशन क्या बेसिकली मीन्स दैट इनकम दैट बेसिकली नॉट ट्रीटेड एज इनकम, मीन्स इनको इनकम ही नहीं माना गया. ठीक है, मीन्स दे आर नॉट पार्ट ऑफ इनकम, मीन्स बोलते हैं कि ये तो इनकम ही नहीं मानेंगे. तो जब इनकम ही नहीं मानेंगे तो ऐड नहीं करते. डिडक्शन में क्या होता है कि पहले आप इनकम को ऐड करते हो, उसके बाद गवर्नमेंट बोलती है कि इसको हम डिडक्शन दे देते हैं. ठीक है ना, मीन्स उसमें इसको रिड्यूस कर देते हैं. बट एग्जम्पशन में क्या होता है, इसको इनकम में ऐड ही नहीं होने देते, यानी कि वो पहले इनकम का पार्ट ही नहीं बनता, दैट इज कॉल्ड एग्जम्पशन. ठीक है, तो देखिए वैसे तो हमें जो जो भी एग्जम्पशन बननी है वो हम पढ़ेंगे वेरियस सेक्शन है. जैसे देखिए सेक्शन 10, 11, 12,
एंड 13B, दीज आर ऑल प्रोविजंस और सेक्शंस ऑफ एग्जम्पशन। ठीक है, सो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिडक्शन एंड एग्जम्पशन। सो इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से दैट डिडक्शन विच रिड्यूस द इनकम एंड एग्जम्पशन दैट इनकम वी विच आर नॉट पार्ट ऑफ इनकम, ओके, और टैक्सेबल इनकम। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनकम एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। जैसे देखिए मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कौन कौन से सेक्शन हैं हमारे, सेक्शन 10, 11, 12, 13A एंड 13B। तो देखिए सेक्शन 10 क्या कहता है, दैट इज रिलेटेड टू वेरियस एग्जेम्पशंस सेक्शन 11 किससे रिलेटेड है, दैट इज चैरिटेबल और कैन से रिलीजियस ट्रस्ट मीन्स कहीं पर कोई भी कोई रिकग्नाइज्ड या फिर ऑथराइज मंदिर हो, टेंपल हो, ठीक है, कोई मस्जिद हो, ठीक है, कोई गुरुद्वारा हो, तो मतलब कोई रिकग्नाइज है, अगर कोई वहाँ पर कोई डोनेशन देता है किसी भी तरह की, ठीक है, तो वो एक्चुअली या कोई से कहीं से इनकम अराइज होती है तो उसको हम एग्जाम कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जब डोनेशन देता है तब तो हम उसको 80G में डिडक्शन लेते हैं, लेकिन जिसको मिलता है उसको लिए तो वो इनकम है, तो उसके लिए इनकम मानी नहीं गई यहाँ पर। ठीक है, तो उसको एग्जाम कर दिया, दैट इज अंडर सेक्शन 11। देन 12 में देखिए कौन सी इनकम आती है, दैट इज पोलिटिकल पार्टी। जैसे हमने 80G में पढ़ा था कि अगर कोई एसएससी पोलिटिकल पार्टी में डोनेशन देता है सो ही कैन गेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, बट इनकम मिल किस 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 को रही है, पोलिटिकल पार्टी को मिल रही है, तो क्या पोलिटिकल पार्टी के लिए वो इनकम जो वो डोनेशन मिल रही है क्या वो इनकम टैक्सेबल होगी या नहीं होगी, तो यहाँ पर जो है वो एग्जम्पशन की बात करी, दैट इज अंडर सेक्शन 12 में। देन नेक्स्ट वन इज 13A एंड 13B। 13B दैट इज रिलेटेड टू इलेक्टोरल ट्रस्ट विच इज वेरी सिमिलर टू पोलिटिकल पार्टी, मीन्स कोई इलेक्टोरल ट्रस्ट अगर कोई डोनेशन देता है तो उसके लिए भी कुछ पार्ट जो एग्जम्पशन होती है। बट इफ यू टॉक अबाउट द करिकुलम ऑफ बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स, आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 10 ही पढ़ना है, बाकी नहीं पढ़ना है। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया कि कौन कौन सी इनकम जो है जो कि इनकम का पार्ट ही नहीं मिलते, यानी कि दे आर बेसिकली नॉट ट्रीटेड एज इनकम। ठीक है, चलिए फर्स्ट सेक्शन है सेक्शन 14A, ये हमने पढ़ा हुआ बहुत अच्छे से इन PGPB में, दैट इज एक्सपेंसेस रिलेटेड टू एग्जेम्प्टेड इनकम। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई भी कोई इनकम ऐसी है जो ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड है, तो क्या उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होंगे क्या वो एग्जेम्प्ट होगा या नहीं होगा। सर कौन सा एक्सपेंस की बात कर रहे हो, कोई भी एक्सपेंस हो, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो। ठीक है, और सेक्शन 14A में स्पेशल बोला हुआ है दैट दे आर नॉट अलाउड टू डिडक्ट फ्रॉम एनी इनकम। बट हाँ, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो इनकी कैलकुलेशन वो कैसी होगी, दैट आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड अंडर प्रिस्क्राइब रूल 8D जो हमने PGBP में बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, वैसे तो देखिए ये जो कंसेप्ट है थोड़ा हाई लेवल का है, बट मैं सिर्फ आपको छोटा सा आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि रूल 8 यहाँ पर मीन्स जैसे कोई भी एक्सपेंसेस होते हैं तो उसको बोलते हैं कि डैट जो है वो मान लीजिए 1% है एंड डैट तो 99% मान लेते हैं। ठीक है, तो उससे वो इसलिए बोला हुआ है कि अगर कोई भी इनकम ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड है तो उस रिलेटेड जितने भी खर्च होते हैं तो उसके उसके लिए बेनिफिट एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए नाउ सेक्शन 10 में देखिए, फर्स्ट सेक्शन दैट इज सेक्शन 10(1) दैट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, तो यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है एग्रीकल्चर इनकम, बट यहाँ पर क्वेश्चन रह जाता है कौन सी कैपिटल और नई नेचर वाली या रेवेन्यू वाली। यहाँ पर बात हो रही है रेवेन्यू नेचर वाली इनकम जो है वो एग्जम्प्टेड। ठीक है, दैट इज अंडर सेक्शन 10 क्लोज 1। नेक्स्ट वन इज सेक्शन 10(2) दैट इज रिलेटेड टू शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ HUF
रिसीव्ड बाय इट्स मेंबर्स। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैंने पीजीपीपी में करा है। मैं फिर से वर्ड्स को रिवाइज करा रहा हूँ। क्या बोला यहाँ पर कि अगर किसी भी एचयूएफ को अगर उसका शेयर ऑफ जो प्रॉफिट होता है अगर मिल रहा है मेंबर्स को, तो मेंबर्स के हाथ में जो भी प्रॉफिट मिल रहा है वो एग्जम्प्ट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा देखिए जरा ध्यान से, जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, एचयूएफ ने अगर कोई भी प्रॉफिट अर्न किया है, ठीक है, तो वो टैक्सेबल किसके लिए होता है? एचयूएफ के लिए होता है। टैक्स कौन पे करेगा? एचयूएफ पे करेगा। आफ्टर टैक्स जो भी प्रॉफिट होगा वो किसको मिलता है? मेंबर्स को मिलता है, एंड दोज इनकम विल बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(2)। यहाँ पर ऐसा रूल क्यों बनाया है? बिकॉज गवर्नमेंट ये मानती है यहाँ पर कि मेंबर्स ऑफ और या फिर एचयूएफ दोनों एक ही हैं, तो यहाँ पर जो टैक्स यहाँ पर गवर्नमेंट सिर्फ एक से लेना चाहती है, इधर फ्रॉम एचयूएफ और फ्रॉम मेंबर्स। तो यहाँ पर गवर्नमेंट बोल रही है हम सिर्फ एचयूएफ से लेंगे, मेंबर्स के हाथ में वो इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट वन इज सेक्शन 10(2)(a) दैट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट अर्नड बाय पार्टनर फ्रॉम फर्म एलएलपी। ऊपर हमने बात किसके की थी? मेंबर्स ऑफ एचयूएफ। यहाँ किसकी बात हो रही है? पार्टनर्स फ्रॉम फर्म और एलएलपी। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि अगर किसी पार्टनर को अगर फर्म से या एलएलपी से कोई भी प्रॉफिट मिल रहा है, शेयर प्रॉफिट मिल रहा है, वो एग्जम्प्ट होता है। बट यहाँ पर जो फोकस करने वाली जो बात है वो ध्यान से देखिए। मान लीजिए कोई फर्म है, उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया, तो उस पर टैक्स कौन पे कर रहा है? दैट इज फर्म और एलएलपी, ठीक है। फर्म और एलएलपी ने वो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसको? पार्टनर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो वो तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, वही तो बात हो रही है, वो तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10(2)(a) में। लेकिन अगर वही फर्म एलएलपी अगर सैलरी बोनस कमीशन या इंटरेस्ट दे रही है, किसको दे रही है? पार्टनर्स को दे रही है, तो वो क्लेम्ड एग्जेम्प्ट कर एक्सपेंस कर लेते हैं पीजीबीबी में, उसको वो पीएनएल में डेबिट कर देते हैं और वो पार्टनर्स के लिए हाथ में टैक्स हो जाएगा। यहाँ पर हम कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट कर रहे हैं? पार्टनर्स के हाथ में शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। टैक्सेबल क्या क्या होगा? सैलरी भी टैक्सेबल होगा, बोनस भी टैक्सेबल होगा, कमीशन भी होगा और एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द फर्म और एलबी, दीज ऑल आर विल बी कंसिडर्ड एज इनकम एंड दैट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ पार्टनर्स। चलिए नेक्स्ट वन इज सेक्शन 10(4). क्या बोले यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए ये जो पर्सन है ये कौन है? ये है कोई एनआरआई, एनआरआई मैंने समझते हो आप अच्छे से, ठीक है। एनआरआई ने आरबीआई से परमिशन ली हुई है टू ओपन एनआरई अकाउंट, दैट इज नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, ठीक है। तो उससे अगर कोई भी इंटरेस्ट मिलेगा, जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो सारा का सारा एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10(4). पर यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि उसको आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिशन एग्जेम्प्ट लेने की नहीं, परमिशन किसके लिए? टू ओपन एनआरई अकाउंट। वैसे एनआरई अकाउंट जो है आरबीआई की परमिशन से ही ओपन होता है, उनके बिना ओपन नहीं होता, बट फिर यहाँ पर क्लोज इंपोर्टेंट लिखा हुआ है कि इफ एनआरआई ओपन एनआरई अकाउंट विद द परमिशन ऑफ आरबीआई देन एनी इंटरेस्ट अर्न बाय एसएससी दैट विल बी टोटली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(4). नाउ मूव कमिंग टू नेक्स्ट सेक्शन दैट इज सेक्शन 10(5) एलटीसी। ये तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है इन दिस सैलरी हेड चैप्टर, वही कंसेप्ट है, सिर्फ एक रिविजन के लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे देखिए कोई जर्नी है, एसएससी जो है किसके साथ जा रहा है? फैमिली के साथ जा रहा है, ठीक है। तो उसके देखिए अगर जर्नी में जा रहा है तो एलटीसी को गवर्नमेंट जो इनको बेनिफिट देती है कि वो गवर्नमेंट से पैसे जो है ले सकते हैं, ठीक है। बट जो पैसा मिलेगा अपने एम्प्लॉयर से, क्या वो एग्जेम्प्ट होगा या टैक्सेबल होगा, उसकी बात हो रही है। वो टैक्सेबल होगा तो कब होगा और एग्जेम्प्ट होगा तो कब होगा? तो यहाँ पर सिर्फ किसकी बात हो रही है? 10(5) में, दैट इज एग्जेम्प्शन पार्ट, यानी कि एलटीसी में अगर एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को अगर घूमने के लिए कोई भी अगर एम्प्लॉयर से कोई भी पैसा मिल रहा है, ठीक है, तो वो एग्जेम्प्ट होगा, तो कितना होगा, कब कब होगा, उसकी बात हो रही है। देखिए अगर एसएससी बाय एयर जा रहा है, ठीक है, तो वो शॉर्टेस्ट रूट ही अलाउड है एग्जेम्प्शन के लिए। कितना? ओनली इकोनॉमिक फेयर, नॉट बिजनेस फेयर, यानी कि बिजनेस क्लास की वो अपनी जो है टिकट ले रहा है, ठीक है। तो उसमें बोल रहे हैं मान लीजिए एम्प्लॉयर उनको जो है, ध्यान से सुनिए,
मान लीजिए एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बिजनेस क्लास के लिए 5,000 की टिकट दे दी, ठीक है, तो उसी सेम रूट पे इकोनॉमी फेयर मान लीजिए 3,000 का है, तो 3,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा, 2,000 टैक्सेबल हो जाएगा इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर चाहे कुछ भी दे, इनकम टैक्स कोई कुछ नहीं कहता, आप एम्प्लॉयर कोई किसी भी फेयर का पैसा दें। यहाँ पर बात हो रही है कि एम्प्लॉय के हाथ में कौन सा अमाउंट जो एग्जेम्प्ट होगा। यहाँ बोला हुआ है कि अगर एसएससी शॉर्टेस्ट रूट जाता है बाय एयर, ठीक है, तो उसको इकोनॉमी फेयर की ही उसको एग्जेम्प्शन मिलेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए एसएससी अगर ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, तो जो भी शॉर्टेस्ट रूट होगा बाय एयर, यानी कि पहले वो कोलकाता जा रहा है, उसके बाद सिक्किम जा रहा है, उसके बाद मुंबई आ रहा है, ऐसा नहीं, शॉर्टेस्ट रूट देखेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई अदर रूट हुआ दैट इज अदर देन एयर, तो क्या होगा, तो या तो वो जो रूट होगा वो तो या तो वो कहते हैं रेल से कनेक्टेड होगा या तो नहीं होगा। तो अगर रेल से कनेक्ट हो तो फर्स्ट एसी की जो है गवर्नमेंट ने यहाँ पर बेनिफिट दे रही है कि फर्स्ट एसी प्लस शॉर्टेस्ट रूट का जो भी फेयर होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर वो रेल से कनेक्ट नहीं है तो क्या होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट करेगा, बसेस से जाएगा। तो अगर वो रिकग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो फर्स्ट क्लास या फिर डिलक्स क्लास फेयर वो एग्जेम्प्ट होगा। और अगर ये भी नहीं है तो फिर क्या मानेंगे, जो एग्जेम्पशन कौन सी कितनी मानी जाएगी, माना जाएगा कि अज्यूम डेस्टिनेशन बाय रेल। तो रेल में देखिए क्या होता है, फर्स्ट एसी क्लास जितनी उसकी इकोनॉमी जितनी भी फेयर एसी क्लास की जितनी भी टिकट होगी, ठीक है, वही सेम अमाउंट जो यहाँ पर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। दैट आर ऑल डिस्कस्ड अंडर LTC, दैट इज अंडर सेक्शन 10(5). नाउ कम टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 10(7). क्या बोला ध्यान से देखिए, ये कौन पर्सन है, ये है एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये जो पर्सन है ये कहाँ पे काम कर रहे हैं, आउटसाइड इंडिया, कहीं बाहर काम कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट के मतलब एम्प्लॉयड हैं। गवर्नमेंट इनको जो है अलाउंसेस और परक्विजिट दे रही है, तो इनके लिए वो एग्जेम्प्ट है। बट पहले हमें क्वेश्चन रहा सुनेगा कि ये एम्प्लॉय है कौन। देखिए ऐसे कौन से एम्प्लॉय हैं जो कि है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय लेकिन काम को कहाँ कर रहे हैं, वो एम्प्लॉयड कहाँ पर है, आउट ऑफ इंडिया। तो बेसिकली दे आर वर्किंग लाइक इन एम्बेसी, ठीक है। अब एम्बेसी कहीं भी भूटान भी हो सकता है, बांग्लादेश भी हो सकता है, पाकिस्तान भी हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे कंट्रीज की देखिए काफ़ी सारे एम्बेसी जो है वो बाहर काम करते हैं, होते वो कौन से एम्प्लॉय, तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं वो। तो अगर गवर्नमेंट से सैलरी के अलावा अगर अलाउंसेज या पैकेज मिल रहे हैं, सैलरी तो टैक्सेबल होगा, बट अगर अलाउंसेज या पैकेज मिल रहे हैं तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे अंडर सेक्शन 10(7). मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज सेक्शन 10(10), ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, दैट इज डेथ कम ग्रेचुटी, जो हमने सैलरी में पढ़ा था वही सेम है सेक्शन 10(10). सिमिलरली फॉर लीव सैलरी, दैट इज अंडर सेक्शन 10AA, देन 10(10BB), दैट इज रिलेटेड टू भोपाल गैस लीक डिजास्टर। क्या बोला हुआ इसमें देखिए, मींस अगर किसी भी एसएससी को अगर कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई कंपेंसेशन मिल रहा है, मींस अगर डिजास्टर से कोई भी लॉस हुआ, वो एक ये काफ़ी जो भोपाल गैस लीक है ये काफ़ी लॉस हुआ था लोगों को, तो इसमें गवर्नमेंट ने जो है टैक्स बेनिफिट भी दिया है कि अगर इस डिजास्टर रिलेटेड अगर किसी भी पर्सन को अगर कोई कंपेंसेशन मिल रहा है, ठीक है, तो वो एग्जेम्प्ट होगा। पहले तो बोल दिया कि वो एग्जेम्प्ट होगा, बट कंडीशन क्या है यहाँ पर कि वही सिमिलर अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा अगर मान लीजिए उस एसएससी ने उस अमाउंट को कहीं पर उसको डिडक्शन ले लिया, उस नुकसान की कहीं पर डिडक्शन अगर ले ली है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, अदरवाइज अगर नहीं लिया तो वो पूरा पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, दैट्स इट। सिमिलरली फॉर द सेक्शन 10(10BC), दैट इज कंपेंसेशन ऑन एनी डिजास्टर, कंडीशन वही है यहाँ पर, एनी डिजास्टर बोल रहे हो, बस एनी डिजास्टर मीन्स कोई भी अर्थक्वेक हो गया, फ्लड आ गया, तो उस रिलेटेड अगर अगर मान लीजिए गवर्नमेंट किसी भी पर्सन को लॉस के लिए अगर कोई कंपेंसेशन देती है, तो वो रिसीवर के हाथ में जो भी आएगा वो सारा एग्जम्प्ट हो जाएगा। कंडीशन ये है कि उस कंपेंसेशन से रिलेटेड अगर एसएससी किसी भी हेड से या फिर कोई भी जितने भी इनकम टैक्स के एड है अगर कहीं पर डिडक्शन ले ली है, अगर ऑलरेडी वो ले चुका है, ठीक है, तब तो वो उसको जितना भी अमाउंट मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से एज कंपेंसेशन, दैट विल बी टोटली टैक्सेबल, अदरवाइज इट विल बी एग्जेम्प्ट।
नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज सेक्शन 10CC। देखिए काफ़ी ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है पीजी वेब से रिलेटेड भी। जैसा हमने पढ़ा था, अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, अगर एम्प्लॉय से अगर इसको नॉन मॉनिटरी परक्विजिट मिल रहा है, नॉन मॉनिटरी परक्विजिट, तो एम्प्लॉय के हाथ में वो टैक्सेबल होता है, बट एम्प्लॉय के हाथ में वही इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाती है। ये हमने पीजीपी में पढ़ा था, रेफर टू सेक्शन 10(14A)(4)। अगर आपको याद ना हो तो आप पीजीबीपी की मेरी वीडियो देख सकते हो, वहाँ पर मैंने इसकी एक्सप्रेशन इन डिटेल दी हुई है, तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट वन इज सेक्शन 10D। सेक्शन डी 10D जो क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए कोई एसएससी 2009 में उसने एलआईसी की प्रीमियम वो उसने पे किया, और 10 साल तक उस वो जो है वो एलआईसी का जो प्रीमियम पे कर रहा है टिल 10 ईयर्स, तो उसने कितना प्रीमियम पे कर दिया, 10 लाख पे कर दिया। तो उसको 10 साल बाद अभी जो प्रीमियम है जो एलआईसी की जो वो मैच्योर हो चुकी है, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि उसके हाथ में कितना आएगा। 10 लाख उसने जमा करा, ऐसा हो नहीं सकता कि 10 लाख के हाथ में आए। देखिए वैसे देखा जाए तो उसके हाथ में से 10 लाख ही आना चाहिए। इन एडिशन जो भी अमाउंट मिलता है दैट इज कॉल्ड बोनस, उसको क्या बोलते हैं बोनस। एंड ये बोनस किस पे डिपेंड होता है, बेसिकली डिपेंड ऑन दी बोनस ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। जैसे मान लीजिए अगर आप आज कोई एल आई सी प्रीमियम लेते हो, एल आई सी इंश्योरेंस लेते हो, तो आपको जो एजेंट होता है ना वो बोलेगा कि आप 1-1 लाख रुपए आप हर साल पे करो, 10 साल बाद आपको 10,60,000 मिलेंगे, सॉरी 10 लाख वो 6 लाख वो यानी कि 16 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो आप ले लेते हो, बट एक्चुअल में जब आप मैच्योर कराते हो तो आपको अमाउंट मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि जो 10 लाख वो तो आपको मिलेगा मिलेगा, लेकिन जो इन एडिशन टू दैट 10 लाख जो भी कुछ मिलेगा दैट इज रिलेटेड टू द बोनस रेट एट दैट पर्टिकुलर ईयर, ठीक है। तो जब आप मैच्योर कराते हो उस अमाउंट को, तो उस अमाउंट पे वो परसेंटेज देखता है वो कितना उस मतलब मान लीजिए अगर मान लीजिए कंपनी को उस साल बहुत अच्छा बोनस और प्रॉफिट हुआ, तो उस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग जो है जो बोनस डिक्लेयर करती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इन एडिशन वो मिलेगा मिलेगा। हाँ ये है कि आपको 10 लाख से कम तो मिलेगा नहीं मिलेगा, मीन्स अगर लॉस हुआ तो लॉस नहीं होगा, 10 लाख तो मिलेगा मिलेगा। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉफिट हुआ, ठीक है, मीन्स सॉरी एल आई सी को अगर कोई प्रॉफिट हुआ कंपनी को, तो इन एडिशन टू दिस आपको बोनस जो मिलेगा मिलेगा, ठीक है। तो इसकी बात रही कि एस एस सी को इनकम कोई भी मिले, चाहे वो 10 लाख मिले या फिर बोनस मिले, दोनों ही वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10(10D). तो यहाँ पर जो है अगर इन एडिशन टू एल आई सी प्रीमियम उसमें बोनस भी जो मिलेगा वो सारा का सारा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट मेक श्योर क्लास, यहाँ पर अगर की इंश्योरेंस पॉलिसीज रिलेटेड अगर एस एस सी की कोई भी इनकम मिलेगी तो वो एग्जेम्प्ट नहीं होगी। आई रिपीट, अगर की मैन अगर की मैन को अगर इंश्योरेंस पॉलिसी से कोई भी अमाउंट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा, वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। यहाँ पर एग्जामिनर कई बार ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो यहाँ पर बहुत ध्यान देना होगा। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 10(11)। देखिए यहाँ पर ध्यान से, नेक्स्ट सेक्शन दैट इज सेक्शन 10(11) दैट इज विड्रॉल ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस फ्रॉम पीएफ और पीपीएफ सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मीन्स अगर रिटायरमेंट एज पे या फिर बिना रिटायरमेंट की एज पे भी अगर मान लीजिए कोई एसएससी पीएफ या पीपीएफ से अगर कोई भी अमाउंट निकलता है, एक्यूमुलेटेड कोई भी अमाउंट मिलेगा वो टोटल एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10(11)। नेक्स्ट वन इज सेक्शन 10(11A) दैट इज एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम। देखिए जैसे कि आपको पता है कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट किसके लिए होता है, दैट इज़ अगर मान लीजिए कोई एसएससी अगर अपनी बेटी के लिए, कोई बेटी है उसकी वो 10 साल से उसकी उसकी एज जो 10 साल से कम है, तो वो सुकन्या समृद्धि अकाउंट में हर साल कुछ अमाउंट जो वो इन्वेस्ट करता है इस अकाउंट में, ठीक है। और जब बेटी जो 25 साल की हो जाती है तब 25 साल के बाद वो बेटी सारा अमाउंट तब एसएससी जो सारा अमाउंट विड्रॉ कर देता है, तो वो बेटी के लिए होता है। तो उस लीडर अगर 25 साल बाद कोई भी अमाउंट जब वो विड्रॉ होगा दैट विल बी टोटली एग्जेम्प्ट, ठीक है। जैसे आपको पता है 80C में भी इसकी डिडक्शन मिल जाती है, ठीक है, इसमें भी पीपीएफ एंड पीपीएफ में 80C में एडिशन डिडक्शन मिलता है,
प्लस जब अमाउंट जब एक्यूमेट अमाउंट जब बाद में निकलेगा तो वो भी अमाउंट एग्जम्प्ट होगा। नेक्स्ट मनी सेक्शन 10(12) दैट इज पेमेंट फ्रॉम एक्यूमेटेड बैलेंस ऑफ आरपीएफ। सेम अगर रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड फंड से भी अगर कोई अमाउंट विड्रॉ करेगा तो जितना भी एक्यूमेटेड अमाउंट होगा वो सारा सारा एग्जम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10(12). नेक्स्ट वन इज सेक्शन 12A एंड 12B। ये हमने डिडक्शन चैप्टर में भी इन डिटेल हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई एम्प्लॉई अगर अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, यहाँ पर हम पहली बात कर रहे हैं एम्प्लॉय की, ठीक है, एम्प्लॉय इन द सेंस यहाँ पर एम्प्लॉयर जो है वो एनपीएस अकाउंट मेंटेन कर रहा है एम्प्लॉय का। अगर मान लीजिए एम्प्लॉई अमाउंट विड्रॉ कर रहा है एनपीएस से एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो डिपेंड करता है वो कितना अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, फुल्ली या पार्शली। अगर फुल्ली अमाउंट विड्रॉ कर रहा है तो 60% ऑफ दैट अमाउंट विल बी एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 12A। बट अगर पार्शली कर रहा है तो पूरा अमाउंट ही एग्जम्प्ट होगा। कंडीशन क्या है कि जितना अमाउंट वो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो 20% लेस देन और मोर देन 20% 25% होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए वो उसने 1 लाख रुपये निकाले पार्शली, तो ये पूरा अमाउंट एग्जम्प्ट हो सकता है, ठीक है। बट अगर मान लीजिए ये कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ 20% है तो ये पूरा पूरा अमाउंट अभी टैक्सेबल हो जाएगा। कंडीशन ये है कि ये पूरा अमाउंट जो है कंट्रीब्यूशन वो लेस देन और मोर देन 25% कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अदर देन एम्प्लॉय, यानी कि वो अपना अकाउंट खुद मेंटेन कर रहा है, एम्प्लॉयर नहीं कर रहा। मान लीजिए कोई जॉब नहीं, कोई बिजनेसमैन है, तो अगर कोई एनपीएस अकाउंट तो कोई भी मेंटेन कर सकता है, तो उसमें अगर मान लीजिए अगर फुली अमाउंट अगर वो निकाल रहा है तो पूरा का पूरा वो एग्जम्प्ट है, सॉरी 60% ऑफ द अमाउंट विल बी एग्जम्प्ट। बट अगर पार्टली है तो पूरा का पूरा अमाउंट जो वो टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज सेक्शन 10(13) दैट इज रिलेटेड टू अमाउंट फ्रॉम एन अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। ये भी एक सिमिलर तरह का फंड है, दैट इज जैसे पीपीएफ फंड होता है वैसे ही एक जो है ये सुपर एनुएशन फंड होता है। इसमें बात बोलिए कि अगर वो अप्रूव्ड है तो उस रेट अगर कोई इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ पहले मैं, अगर इंटरेस्ट है तो पूरा वो एग्जम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10(13) में, ठीक है। लेकिन अगर अमाउंट वो विड्रॉ कर रहा है, अगर वो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है तो उसकी डिडक्शन तो वो 80C में डिडक्शन लेता है अप टू 1,50,000। बट अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है तो 1.5 लाख से ऊपर वो सारा टैक्सेबल हो जाएगा, 1.5 लाख तक एग्जम्प्ट है, उसके बाद वो जितना भी निकलेगा वो सारा सारा टैक्सेबल है। नेक्स्ट वन इज सेक्शन 13A एग्जम्पशन ऑन HRA, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, HRA का सैलरी चैप्टर वही समझा रहा है। नेक्स्ट वन इज सेक्शन 10(14) दैट इज एग्जम्पशन ऑन स्पेशल अलाउंसेस, ये भी हमने डिस्कस किया था 10(14)(1) एंड 10(14)(2). 10(14)(1) में क्या होता है बेसिकली कि इसमें जितने भी जो भी अलाउंसेस मिलते हैं, तो जितने भी स्पेशल अलाउंस मिलते हैं वो कुछ मतलब अमाउंट रिसीव्ड लेस अमाउंट पेड, जितना भी उसने खर्चा किया है, जितना भी वो जितना जो जितना भी खर्चा करता है वो सारा सारा एग्जम्प्ट होता है। बट 10(2) में क्या होता है, एक स्पेसिफिक लिमिट होती है। जैसे देखिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, उसमें क्या होता है 100 पर मंथ अप टू ओनली 2 चिल्ड्रन, बस कंडीशन होती है तो ही मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। नेक्स्ट वन इज सेक्शन 10(15) दैट इज इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि अगर SSC अगर इन बॉन्ड्स में कहीं पर भी इन्वेस्ट करता है तो उसको इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट अगर कुछ भी इनकम मिल रहा है तो वो एग्जम्प्ट होती है। कौन कौन सी है, जैसे देखिए रेलवे बॉन्ड 7% कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, 9% रिलीफ बॉन्ड, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। याद रखना इस बॉन्ड का वैसे टेन्योर जो कितना करता होता है 5 ईयर 10 ईयर एंड 15 ईयर। एग्जम्पशन तब मिलेगी अगर SSC जो है बॉन्ड ले रहा है फॉर 10 ईयर्स और 15 ईयर्स, ठीक है, यानी कि 5 ईयर के लिए कोई भी एग्जम्पशन नहीं है, ठीक है। अच्छा आपको एक बार इसको भी अच्छे से समझाता हूँ, दैट इज़ ये रिलीफ बॉन्ड क्या होता है, बिकॉज ये नॉलेज होने चाहिए आज के टाइम के बच्चों को। देखिए होता क्या, जैसे मान लीजिए कहीं पर जैसे हम ऊपर डिस्कस करें कोई डिजास्टर हो गया, ठीक है, और अगर कोई भी तो इसमें कंपनसेशन गवर्नमेंट देती है, तो बेसिकली सरकार पैसा लाते कहाँ से है, सरकार के पास पैसा होता नहीं, जी हाँ नहीं होता, तो सरकार क्या करती है बेसिकली एक बॉन्ड जो है वो इशू करती है। बॉन्ड इशू का मतलब क्या होता है, एक बॉन्ड इशू करती है मार्केट में, वो पब्लिक से पैसा उठाती है, तो पब्लिक पैसे क्यों देगी, तो गवर्नमेंट बोलती है कि हम आपको इस पर जो एक 9% के हिसाब से 9% के हिसाब से आपको बॉन्ड देंगे। और देखिए गवर्नमेंट बॉन्ड है तो फुली सिक्योर्ड है, मिले पैसा तो मिलेगा, गवर्नमेंट तो भागेगी कि नहीं, ठीक है ना, तो फुली सिक्योर्ड होता है
तो इसमें कहता है लोग तो उल्टा भाग के पैसे उल्टा कहीं से निकाल कर यहाँ पैसे लगा रहे हैं, ठीक है। और ये रेट जो नॉर्मली बैंक रेट से थोड़ा ऊपर ही होता है, ताकि क्योंकि पता होता है गवर्नमेंट को भी कि हमें पैसे की जरूरत है, तो इसलिए आपको मोटिवेशन लग जाती है, ठीक है। तो इस रेट अगर कोई भी इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो भी आपके लिए एग्जम्प्ट हो जाता है। तो देखिए डबल बेनिफिट है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एस एस सी जो है इंटरेस्ट अर्न कर रहा है मोर देन दी नॉर्मल बैंक, प्लस जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है वो सारा सारा एग्जम्प्ट है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सेक्शन 1016, दैट इज स्कॉलरशिप टू मीट कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, यानी कि पढ़ाई करने वाले किसी बच्चे को अगर कोई स्कॉलरशिप मिल रही है तो वो पूरा पूरा एग्जम्प्ट है, दैट इज अंडर सेक्शन 1016। नेक्स्ट वन इज सेक्शन 1017, इसमें क्या बात बोली है, अगर मान लीजिए कोई एसएससी है, अगर गवर्नमेंट से उसको ये पेमेंट मिल रही है, क्या क्या मिल रही है, बेसिक सैलरी, डेली अलाउंसेस एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंसेस, देखिए ये एसएससी बेसिकली है कौन, ये है एमपी या फिर एमएलए, एमपी या फिर एमएलए, यानी एक तरह से खुद सरकार है, ठीक है। देखिए वैसे तो एमपी एमएलए इनकी कोई फिक्स्ड जॉब नहीं होती, ये बेसिकली इलेक्ट होते हैं और ये बेसिकली गवर्नमेंट हम कंट्री को जो सर्व करते हैं, सो दे आर नॉट बेसिकली एम्प्लॉयड फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट एंड दे आर नॉट एम्प्लॉयड एज ए जॉब, ठीक है। बेसिकली दे इलेक्ट बाय पीपल एंड दे कैन ऑल्सो रिमूव बाय पीपल ऑल्सो। सो अगर उनको सेंट्रल या गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, अगर उनसे कोई भी पेमेंट मिल रही है, अगर सैलरी बेसिक सैलरी मिल रही है, तो वो टैक्स हो जाएगा कहाँ पर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। बट अगर उनको डेली अलाउंसेज या फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंसेज मिल रहे हैं तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 1017, ठीक है। आई रिपीट, अगर बेसिक सैलरी मिल रही है इनको एमएलए या फिर एमपी को, तो बेसिक सैलरी जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाके टैक्स हो जाता है, प्लस जो भी और अदर अलाउंसेज दैट इज डेली अलाउंसेज एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंसेज दैट ऑल आर एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1017। वैसे देखिए पार्लियामेंट में बहुत चर्चा होती है कि भी आपने कभी देखा होगा कि एमपी एमएलए जो अपनी सैलरी बढ़ाते हैं वो बेसिकली अपनी बेसिक सैलरी नहीं बढ़ाते, बोले कि अलाउंस बढ़ाते हैं, क्योंकि अलाउंसेज जो उनके ऑलरेडी एग्जेम्प्ट होता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंसेज का होता है बेसिकली कि जैसे मतलब किसी और पर्टिकुलर एरिया के लिए उनको स्पेशल अलाउंस मिलता है, ठीक है। जहाँ पर जैसे एमसीडी, जहाँ पर एमसीडी होती है नगर पालिका, तो उनको जो है स्पेशल अलाउंस मिलते हैं, दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंसेज, दीज आर ऑल्सो एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1017। नेक्स्ट वन इज सेक्शन 1032, दैट इज रिलेटेड टू इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन डिटेल इन द चैप्टर ऑफ क्लबिंग। जैसा आपको पता है कि इनकम जो है माइनर चाइल्ड की, अगर सेक्शन 27 में अप्लाई हो रहा है, या फिर अगर माइनर चाइल्ड डिसेबल है, या फिर माइनर चाइल्ड की अपनी कोई पर्सनल स्किल है, तो इस केस में जितने भी माइनर चाइल्ड जो भी मिलता है वो सब एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन अगर फिर भी कोई अदर इनकम मिल रही है, अदर इनकम, तो वो टैक्स हो जाती है किसके हाथ में, पेरेंट के हाथ में, मींस मदर या फादर, जिनकी इनकम हायर होगी, ठीक है। अगर मदर की इनकम हायर है तो मदर की में इनकम ऐड हो जाएगी, फादर की इनकम हायर है तो फादर की इनकम में ऐड हो जाएगी। उसमें जो एक स्पेशल जो है एग्जेम्पशन मिलती है, दैट इज अमाउंटिंग टू ₹1500, वो एग्जेम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 1032, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। नेक्स्ट वन इज सेक्शन 1034, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ से देखिए, अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है, तो इस पे जो प्रॉफिट है वो तो कंपनी पे करेगी, तो प्रॉफिट पे अगर कोई भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है वो शेयर होल्डर के हाथ में, वो एग्जेम्प्ट हो जाता है, एग्जेम्प्ट हो जाता है अंडर सेक्शन 1034, ठीक है। तो डिविडेंड पे तो एग्जेम्प्ट कब होगा, अगर कोई भी कंपनी जो है टैक्स तो पे करती है, किसको को पे करती है, गवर्नमेंट को पे करती है बाय अप्लाइंग सीडीटी एंड डीडीटी, सीडीटी इन द सेंस कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स एंड डीडीटी इन द सेंस डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड टैक्स, ठीक है। ये जो है कंपनी जो है पहले ही जैसे शेयर को डिविडेंड देती है, तो अंडर सेक्शन 115 ओ के अकॉर्डिंग वो टैक्स डेट कर जाता है। इसका इफेक्टिव टैक्स हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इन डिटेल आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, अगर नहीं पढ़ा तो आप मेरी वीडियो को देख सकते हो कि इसका इफेक्टिव रेट क्या होता है। आगे देखिए, अगर मान लीजिए कोई इंडिविजुअल, एच ई एफ, फर्म, एल एल पी और ये सब रेजिडेंट हैं, ठीक है,
अगर इनको डिविडेंड मिल रहा है फ्रॉम द डोमेस्टिक कंपनी तो अप टू 10 लाख तो वो एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 1034। लेकिन अगर एक्सेस हुआ 10 लाख से, देन एक्सेस अमाउंट विल बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड ट्रीटेड एज स्पेशल इनकम एंड टैक्स एट द रेट ऑफ 10%। ये हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो ये आपका एक आज रिवाइजन होगी अच्छे से। नेक्स्ट वन इज सेक्शन 1034A, दैट इज अमाउंट रिसीव्ड ऑन अपॉन बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक आपको अच्छे से पता है बायबैक क्या होता है, जैसे अगर कंपनी अपने शेयर जो है ओपन मार्केट से परचेज कर रही है उसको बोलते हैं बायबैक। तो अगर मान लीजिए बायबैक हो रहा है किसका, अनलिस्टेड शेयर्स का, सो इन दिस केस कंपनी इज लायबल टू पे एडिशनल टैक्स एंड अमाउंट रिसीव्ड एज शेयर होल्डर दैट विल बी टोटली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 34A। बट अगर यही केस अगर लिस्टेड शेयर्स का हुआ तो कंपनी तो पे करेगी करेगी टैक्स, प्लस अगर शेयर होल्डर आएंगे तो उनके हाथ में वो कैपिटल गेन लगेगा और कैपिटल गेन के अकॉर्डिंग वो टैक्स देना पड़ेगा अंडर सेक्शन 46A। तो यहाँ पर बस एग्जम्पशन के लिए आपको याद रखना है कि अंडर सेक्शन 34A एग्जम्पशन को मिलेगी बायबैक केस में अगर वो अनलिस्टेड शेयर्स हो, तो वो शेयर होल्डर के हाथ में वो एग्जम्प्ट हो जाता है। नेक्स्ट वन इज सेक्शन 1035। क्या बोला हुआ, जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि म्यूचुअल फंड्स ETUTI, तो उससे अगर कोई इंटरेस्ट मिलता है, यहाँ पर इंटरेस्ट की बात हो रही है प्लस डिविडेंड की भी। जैसा मान लीजिए अगर आपने किसी भी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया, अगर आपसे कोई उससे कोई रेगुलर इनकम जनरेट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, यहाँ पर बात हो रही है रेगुलर इनकम की, तो वो जो है वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट या डिविडेंड मिल रहा है और वो रेगुलर मिल रहा है तो वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, बट याद रखना ये सेक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ अप टू 31 मार्च 2020 तक है, क्योंकि उसके बाद रूल चेंज हो गए हैं। अच्छा एक बात रखना, यहाँ पर अगर मान लीजिए उस यूटीआई या म्यूचुअल फंड को सेल कर देते हैं तो उस पर कैपिटल गेन अराइज होगा और वो टैक्स हो जाएगा। उसको अगर बेचोगे तो कैपिटल गेन अराइज होगा, लेकिन अगर बेच नहीं रहे, ठीक है, यानी कि आपने आज परचेस किए, आपने सोचा उसको 3 साल तक बेचोगे, लेकिन 3 साल में आपको कोई भी अगर उससे कोई रेगुलर इनकम मिल रही है बाय वे ऑफ डिविडेंड और बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, तो वो एग्जम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 1035। नेक्स्ट वन इज सेक्शन 1037, दैट इज कैपिटल गेन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, दैट इज टोटली एग्जम्प्ट। अभी हमने ऊपर पढ़ा था 10(1) एग्रीकल्चर इनकम, वो हमने क्या पढ़ा था, वो हमने क्या पढ़ा था, एग्रीकल्चर इनकम रेवेन्यू की थी। ये हम कौन सी लीड पढ़ रहे हैं, कैपिटल नेचर की पढ़ रहे हैं। ठीक है, कंपल्सरी कवर कर लिया अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड गवर्नमेंट ने, तो उससे रिलेटेड अगर कोई कंपनसेशन मिलेगा दैट विल बी टोटली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1037। सो दीज आर ऑल इनकम दैट आर ऑल एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेबल इनकम। सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल, एंड दिस इज दी लास्ट चैप्टर ऑफ इनकम टैक्स, एंड वी विल डिस्कस ऑल द क्वेरीज इन द लाइव क्लास। थैंक यू, प्लीज कीप लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।